कुछ नया नहीं बनाई तू? मैंने भी यही खाया है मिर्ची। क्या माँ? अच्छा माँ, तू काम पर जा रही है? हाँ। कब तक आएगी? अच्छा ये बना रही है, लग रही है। अभी रुक। अब तू सुंदर लग रही है। अब ना तू पूरी वैसी लग रही है जैसे उस रात उस लाला के घर से आते टाइम लगी थी। माँ मेरा ना एक फॉर्म था, वो भर दी जा। कहाँ रखो? माँ, माँ तो गई। अब मुझे ये फॉर्म खुद ही भरना पड़ेगा। चलो। नाउ मिस्टी। उपनाम। उपनाम वो क्या होता है? आपको भी नहीं पता। चलो उप मिस्टी। माता का नाम। उल मिला। मुझे ना मेरी माँ ने कभी मेरे बाप का नाम नहीं बताया। वैसे मैंने कभी पूछा भी नहीं। शायद पूछा हो एक बार। खैर छोड़ो। बता। 61/62 जी बी रोड दिल्ली 6। व्यवसाय। वो क्या होता है? काम। काम मुझे नहीं पता मेरी माँ क्या काम करती है, लेकिन वो इसी वक्त, हाँ इसी वक्त काम पर जाती है। नहीं 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 भैया एक मिनट रुको ना। अरे वो भाऊ क्या बोलते हैं मेरी माँ को, क्या करती हूँ? प्राइवेट वर्कर। लक्ष्मीबाई कॉलेज की नाट्य संस्था नवरा प्रस्तुत करती है स्वलिखित स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक जी भीले। रंग उड़ा कर रंग जमाने, रंग उड़ा कर रंग जमाने। हम रंग रंगी आए हैं जी, हम रंग रंगी आए। दूर से दूर आओगी, दूर से दूर आओगी। एक कहानी आए हैं जी, एक कहानी आए। जय मंगल जय रंग से, जय मंगल जय रंग से। तुमको बताने आए हैं जी, तुमको बताने आए। एक कहानी आए हैं जी, हम रंग रंगी आए। ये तो भाई है ना जिसकी मम्मी कमर से नीचे साड़ी बांधती है।
पीछे से पीछे दिल्ली की जीबी रोड पर हजार हजार वैष्णव और उनके तकरीबन 1500 बच्चे। सन 2009 में इनके लिए खोले गए एक मात्र नगर निगम विद्यालय में जहाँ 172 बच्चों का इनरोलमेंट था, ये कहकर बंद करवा दिया गया कि इन अनफॉर्चुनेट बच्चों को शिक्षा की जरूरत ही क्या है। जाहिर सी बात है ये बच्चे हैं, पर क्या ये लफ्ज, क्या ये एहसास इन्हीं के हैं? दहका में तो नींद खुली, घड़ी फिर उस गति चली, कल फिर उस पर्दे के पीछे खड़ा हुआ मैं सो गया। माँ को पुकारते घूमते फिरते आज भी दिन यूं शुरू हुआ। खाने को ना निवाला है, खेलने को ना खिलौना है, जानता हूं तो इतना बस कि सपना जो था शायद सलोना है। तो क्या अगर मैं स्कूल न जाऊं, तो क्या अगर मैं प्यार न पाऊं? सुबह सांझ आजाद हूं, अपनों की जगह दुनियादारी के पास हूं। देखो देखो वो आ गया। जाता हूँ क्या यार, रोज का
पर देश के कोने कोने से लाए गए इन वैश्याओं के पास ना तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट है ना ही कोई आईडी प्रूफ। तो इस हिसाब से जो खुद भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाता उसके बच्चों के अधिकार की बात कितनी दूर तक कर पाएंगे हम।
से हम इन पर सवाल उठाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि उसी हाथ को आगे बढ़ाकर हम इनकी मदद भी कर सकते हैं। जैसे कि प्यार का मोहल्ला, प्यार का मोहल्ला कटकथा का है। कटकथा दिल्ली का एकमात्र ऐसा एनजीओ है जो वैश्याओं के बच्चों के लिए काम करता है। तो क्यों ना आज हम भी बड़े प्यार से अपना हाथ इनकी ओर बढ़ाएं और हमारे बीच के इस औकात के फर्क को कम करें। अब तो अपनी सोच की तंगलियों से बाहर निकल जा, अपनी जिंदगी जी भी ले।